अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपके साथ नेमतुल्ला बलोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेमत बलोच टेक्निकल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। आज की वीडियो में आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ, जो कुछ दिनों से ये मसला चल रहा है और ये YT स्टूडियो और गूगल क्रोम के दरमियान ये मसला चल रहा है। तो कुछ भाइयों ने मुझे मैसेज किए कि इसका हल बताओ, तो मैंने कहा एक वीडियो शार्ट बना दूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आप जब गूगल क्रोम में जाते हैं और अपना चैनल वहां पर खोलना चाहते हैं, तो आप जैसे ही यहां पर मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ ytstudio.com, तो आप यहां पर जैसे लिखते हैं तो ytstudio लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो आप जैसे करते हैं वो आपके सामने ytstudio ऐप ओपन हो जाती है। तो इसका हल यही है कि मैं आपको बताता हूँ आपने सर्च क्या करना है। इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल नेमत बलोच टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, ताकि हर आने वाली न्यू टेक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना। तो ये वीडियो शॉर्ट सी है, बस 2-3 मिनट की है। इसमें आपको मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं बताने वाला, मैं जस्ट आपको वो तरीका बताऊँगा। आप फौरन ही वहाँ पर आप अपना चैनल को देख सकते हैं, आप अपना वाई टाइम देख सकते हैं, जो कुछ भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। आपने जस्ट क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और उसकी सर्च बार में लिखना है ytstudio.youtube.com। जैसे आप उसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपके सामने एक ओपन होगी, तो आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपके सामने वो आपका चैनल लॉगिन होगा, तो वो ओपन हो जाएगा और आपके सामने ऐप ओपन नहीं होगी। तो काफ़ी ये मसला चल रहा था, तो मैंने कहा अपने भाइयों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूं। और आपने अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।